इंदौर एक बार फिर विश्व कीर्तिमान रचने जा रहा है। इंदौर में 12 किलोमीटर का तिरंगा लहराया जाएगा। इस दौरान राजपथ का नजारा इंदौर में देखने को मिलेगा। महुनाका से चाणक्यपुरी तक विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा लहराया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। देश के 72वें स्वतंत्रता दिवस के ठीक 3 दिन पहले इंदौर में विश्व का सबसे लंबा तिरंगा लहराया जाएगा। 12 अगस्त को 12 किलोमीटर लंबा तिरंगा महुनाका चौराहे से चाणक्यपुरी चौराहे के बीच लहराया जाएगा, जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इसकी पहल मेरा तिरंगा मेरा अभिमान पंक्ति के साथ लोक संस्कृति मंच, लोक उपकार सेवा वाटिका फाउंडेशन और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही है। संस्कृति मंच के अध्यक्ष शंकर लालवानी के मुताबिक इंदौर में 12 किलोमीटर के साथ यह नया विश्व कीर्तिमान होगा। इस दौरान दिल्ली के राजपथ की तर्ज पर इंदौर में करतबबाजी और विभिन्न समुदाय की वेशभूषा में झांकियां होंगी। साथ ही बीएसएफ एपीटीसी और स्काउट गाइड के जवान व अधिकारी भी शामिल होंगे। जैसा कि कार्यक्रम के बारे में आदरणीय कुलपति जी ने पूरा विषय रखा है और तीनों संस्थाएं मिलकर इस विश्व रिकॉर्ड को बनाने का प्रयास करेंगी और इसमें हमने समाज के सभी वर्गों से चर्चा की है, बात की है और हमारे बीच में गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष भी बैठे हैं। सिख समाज इस जो पूरे 12 किलोमीटर तिरंगा है उसकी व्यवस्था सिख समाज कर रहा है, बाकी समाज के लोग भी बाकी व्यवस्था कर रहे हैं। खास करके यूनिवर्सिटी से जो NSS के छात्र हैं वो इस पूरी व्यवस्था को संभालेंगे और इसके अलावा BSF पुलिस विभाग स्काउट NCC ये जो संगठन है ये सब आएंगे तो एक देशभक्ति का वातावरण वहाँ बनेगा। विभिन्न समाजों ने ये भी तय किया है कि हम उस जो तिरंगा रहेगा उसके बीच में इस राजपथ पर अलग अलग प्रांतों की झांकियाँ रहती है तो इसमें झांकियाँ न रहते हुए समाजों का प्रतिनिधि मंडल रहेगा अपनी वेशभूषा में। सिख समाज का रहेगा, बंगाली समाज का रहेगा, साउथ इंडियन रहेंगे, बोरा समाज के रहेंगे, मराठी समाज रहेगा तो ऐसे अलग अलग समाजों के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में रहेंगे और इसमें जो हमारे इंदौर के कलाकार हैं वो अपनी कला और संस्कृति का भी प्रदर्शन उसमें करेंगे तो एक नया एक कार्यक्रम इंदौर में होने जा रहा है। इसको हमने स्वच्छ भारत तो हो ही गया, सभ्य भारत के साथ भी जोड़ा है कि इस अभियान ने भी इसको सपोर्ट करा है कि आने वाले समय में इसको बड़े स्तर पर जिस प्रकार संस्कृति सभ्यता हमारे देश की एक पहचान है उसको आगे लेके पूरे विश्व में एक संदेश देना चाहते हैं उसके शुरुआत इस अभियान से यहाँ शुरुआत करेंगे। शंकर लालवानी, लोक संसद मंच। कुल मिलाकर यह आयोजन देशभक्ति के जज्बे के साथ एक बार फिर शहर की प्रतिष्ठा को न सिर्फ बढ़ाएगा बल्कि दुनिया भर में सबसे लंबा तिरंगा लहराने का मुकाम भी हासिल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज इंदौर।